हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आप लोगों का यूट्यूब चैनल एडमिट एडू में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों का भरपूर स्नेह मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है और उसके लिए हम पूरे हृदय से आपके आभारी हैं। और मैथमेटिक्स का ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों से निवेदन है कि आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने चाहिए। और जल्दी ही हम इसका ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम ऑनलाइन में ही डिस्कस कर लिया करेंगे। और आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्लास ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, पहले चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, संबंध और उसके प्रकार वगैरह, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और उन जितना हमने टॉपिक डिस्कस किया था उससे रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और ये है एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में ये जो पहला क्वेश्चन हम आज से डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पहले क्वेश्चन में करीब 8-10 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, तो शायद इस वीडियो सीरीज में पूरे क्वेश्चन इसके डिस्कस ना हो पाए, तो जितना भी डिस्कस हो सकता है उतना हम डिस्कस करेंगे, बाकी रह जाता है तो हम उसको नेक्स्ट सीरीज में जरूर डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। उस फर्स्ट पार्ट में हमने संबंधों के बारे में डिस्कस किया था, उसमें सीखा था कि आखिर संबंध क्या होते हैं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या गुण होते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से उसमें डिस्कस किया है और जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था अब हम उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो अब शुरू होता है हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो कि क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बारीकी से डिस्कस करेंगे। अगर आपके समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको फिर से डिस्कस कराएंगे, लेकिन एक भी हम कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं और एक भी डाउट बिना क्लियर रखेंगे नहीं। तो आइए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। और इस एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो पहला क्वेश्चन ये है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। अब पहले क्वेश्चन का माप मतलब जरूर समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे कुछ संबंधों के बारे में बताया गया है, कुछ समुच्चय दिया गया है और उन समुच्चयों से संबंधित कुछ संबंध दिए गए हैं, उन संबंधों को आप एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए और ये बताइए कि क्या वो संबंध स्वतुल्य है कि सममित है या फिर संक्रमक है। ये इसमें आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है, देखिए, समुच्चय ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 से लेकर के 14 तक इतने सदस्य समुच्चय ए में हैं और इसमें जो संबंध आर परिभाषित किया गया है उसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि संबंध आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x-y इज इक्वल टू 0। इन संबंधों के क्या मतलब हैं, ये क्या कह रहा है, इसको हम बाद में हम डिस्कस करेंगे जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो इसके एक एक बातों को हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस ये संबंध परिभाषित किया गया है और ये संबंध आपका सममित है कि स्वतुल्य है कि संक्रमक है ये आपको बताना है। उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में आर जो कि संबंध R है वो इस प्रकार से परिभाषित है कि R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ये R को परिभाषित किया गया है, इसमें भी वही बातें चेक करनी है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है, इसमें संबंध R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है x से, इसको एनालिसिस करना है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। और पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध R इस प्रकार से परिभाषित हैं।
अब यहाँ पे यार कई ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी ई, मतलब ये भी क्वेश्चंस ही हैं ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो पांचवा क्वेश्चन है उस पांचवें क्वेश्चन में भी पांच क्वेश्चंस और पूछे गए हैं। तो किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्न संबंध आर, आर को इस प्रकार से अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। पहला है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बी है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स व वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। डी क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। ई इज इक्वल जो ई क्वेश्चन है उसमें आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। इन सभी संबंधों में आपको बताना है कि R किस प्रकार का संबंध है, सममित है कि संक्रमक है कि स्वतुल्य है, क्या है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 1.1। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन बोला गया है, लेकिन इस एक क्वेश्चन में देखा जाए तो करीब 10 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो हम आज की वीडियो क्लास में इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से। तो आइए फर्स्ट अब इसके एक एक क्वेश्चन को हम वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। तो फिर ये जो पहला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन का कई कलेक्शन है, इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि आपको एक समुच्चय ए इस प्रकार से दिया गया है कि समुच्चय ए के जो सदस्य हैं वो 1, 2, 3 से लेकर के 14 तक के जो पूर्णांक हैं वो सब इस समुच्चय ए के सदस्य हैं, और इस समुच्चय ए पर ही जो संबंध परिभाषित किया गया है वो है आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई सच दैट 3x-y इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये संबंध परिभाषित किया गया है, और अब हमें एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, इस बात को पता करना है कि ये जो संबंध R है ये संबंध R स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रमक है। ठीक है, तो अब आइए इसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये संबंध R किस प्रकार का है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि R जो संबंध है इस संबंध में क्रमित युग्म है एक्स कॉमा वाई। तो इसके जो सदस्य होंगे यानी कि ये जो आर का जो परिवार बनेगा, इसके सदस्यों का जो परिवार बनेगा, उस परिवार में जो क्रमित युग्म बनेंगे वो क्रमित युग्म कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे आप ये इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि एक्स कॉमा वाई है यानी कि ब्रैकेट में पहले एक्स है उसके बाद वाई का मान है, यानी कि इसके परिवार में जो आप क्रमित युग्म रखेंगे उसमें जो पहला मान होगा वो एक्स के मान होंगे और जो दूसरा वाला मान होगा वो वाई का मान होगा। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वो एक्स और वाई के मान ऐसे होने चाहिए कि इस संबंध में अगर एक्स और वाई के उन मानों को रखा जाए तो उनका मान 0 यानी 0 आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो एक्स वाई इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे उन्हीं मानों का हम क्रमित युग्म बनाएंगे और वही क्रमित युग्म इस संबंध आर के सदस्य कहलाएंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो समुच्चय है इसमें एक सदस्य है 1। अगर हम x का मान अगर 1 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमें 3 एकम 3 यानी कि 3 1 3 3 मिलेगा हमें। अब 3 हमें इस पद का मान, इस हिस्से का मान 3 मिल गया तो इसके साथ y का कौन सा मान रखें कि सॉल्व करने पे 0 आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पे 3 एक का 3 हो रहा है तो y का मान 3 रखने पर 3-3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए 1 यानी कि x का मान हमने 1 रखा था तो उसके लिए y का मान हमें मिला 3। तो इस प्रकार से 1 और 3 यानी कि 1, 3 इस संबंध R के परिवार का एक क्रमित युग्म यानी कि एक क्रमित युग्म के रूप में सदस्य मिल गया। तो ये पहला सदस्य हो गया 1, 3। इसी प्रकार से हम आगे भी सदस्यों को इसी समुच्चय में से ढूंढेंगे। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 3
छः हो जाएगा। इसका मतलब कि छः में अगर छः घटाएंगे तभी हमें ज़ीरो मिलेगा, तो इसलिए एक्स का मान अगर दो है तो वाई का मान छः होना चाहिए। इसी प्रकार से एक्स का मान अगर तीन रखेंगे तो उसके संगत वाई का मान नौ होगा, और इसी प्रकार से एक्स का मान चार रखने पर उसके संगत वाई का मान बारह प्राप्त होगा। इसके इस तरह से हम देखते हैं कि जो संबंध आर है उसके क्रमित युग्म मिल रहे हैं 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12। इसके अलावा एक्स और वाई के ऐसे कोई भी मान नहीं हैं जो कि इस समुच्चय के अंदर हों और इस समीकरण को संतुष्ट कर सकते हों। इस प्रकार से आर के समुच्चय तो ये बन गए। अब यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आखिर स्वतुल्य का स्वतुल्य ये संबंध स्वतुल्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये देखें कि एक और तीन, वन और थ्री इस आर के परिवार का एलिमेंट है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि आर के सदस्यों में 1, 3 ये एक सदस्य है। तो अगर ये स्वतुल्य है, अगर ये संबंध स्वतुल्य है, तो जब 1, 3 इसके अंदर दिखाई दे रहा है, हम ये कह सकते हैं कि 1, 3 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो हम देख रहे हैं कि आर का एलिमेंट है 1, 3। अब आइए ये देखें क्या इस आर में 1, 1 ये एलिमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि 1, 1 एलिमेंट कहीं नहीं है। इसी प्रकार से 2, 2, 3, 3, 4, 4 भी आपको चेक करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 1, 1 यानी कि ध्यान दीजिएगा एक्स आर एक्स, अगर एक्स आर एक्स अगर इसमें दिखाई देगा तभी वह संबंध स्वतुल्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो क्लास में देख चुके हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, कैसे होता है। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक्स आर एक्स अगर दिखता है तभी वह संबंध स्वतुल्य कहलाता है। तो हम एक्स आर एक्स का मतलब क्या है कि जो मान हमने एक्स का लिया है वैसा ही मान दूसरा भी होना चाहिए, यानी कि सेम टू सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1, 1 तो हम देखेंगे कि 1, 1 यहाँ कहीं नहीं है। इसी प्रकार से 2, 2 भी कहीं नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, 4, 4 भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक्स आर एक्स ये संबंध यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ये संभव ही नहीं है इस संबंध के लिए। तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो संबंध आर है ये स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद अब आइए चेक करें कि आखिर ये सममित है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 3 आर का सदस्य है, 1, 3 इस संबंध आर का एक क्रमित युग्म सदस्य है। तो अगर 1, 3 इसका सदस्य है तो देखिए कि क्या 3, 1 ये सदस्य आर का है। तो हम देख रहे हैं कि 1, 3 इसका सदस्य तो दिख रहा है लेकिन इस फैमिली में, इस परिवार में 3, 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये जो संबंध R है ये सममित भी नहीं है, क्योंकि हमें एक्स आर वाई इज इम्प्लाइज दैट वाई आर एक्स इस तरह का संबंध नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x के साथ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। जब नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो संबंध r है वो सममित भी नहीं है। अब आते हैं आगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1, 3 इस परिवार का सदस्य है, 3, 9 ये भी इस परिवार का सदस्य है। तो 1, 9 इस परिवार का सदस्य है या नहीं, तो आइए ध्यान से देखें। तो हम देख रहे हैं कि 1, 9 इस परिवार में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बात फिर गौर कीजिएगा कि 1, 3 इसका इस परिवार का सदस्य है। हम देख रहे हैं कि 1, 3 संबंध R का एक क्रमित युग्मित सदस्य है, तो 1, 3 इज एलिमेंट ऑफ आर हमने लिख दिया। 3, 9 भी आर का सदस्य है, तो 3, 9 इज एलिमेंट ऑफ आर हमने ये भी कह दिया। तो 1, 9 ये भी आर का सदस्य होना चाहिए तभी आर संक्रमक होगा,
लेकिन हम देख रहे हैं कि इस परिवार में, इस फैमिली में 1.9 का कोई भी क्रमित युग्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1.9 आर का सदस्य नहीं है, इसलिए आर संक्रमक भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने विश्लेषण के द्वारा ये प्राप्त किया, ये जाना कि ये जो संबंध इस समुच्चय के लिए, समुच्चय ए के लिए जिसमें कि 1 से लेकर 14 तक के सदस्य पूर्णांक शामिल हैं, इस समुच्चय के लिए ये जो संबंध परिभाषित किया गया है, ये संबंध न तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रमक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर बताइएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम इस क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि कहा गया है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x इज लेस देन 4 है। तो अब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में इस संबंध r का विश्लेषण करेंगे कि ये r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 जहाँ पे कि x इज लेस देन 4 है, तो क्या ये संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रमक है। आइए इसको चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो समुच्चय है वो है n, तो n इज इक्वल टू, तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n में 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत सदस्य इसके अंदर आएंगे। तो ये जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n का जो परिवार है, इसमें जो सदस्य आएंगे वो 1, 2, 3 से लेते हुए अनंत तक आएंगे। लेकिन जो संबंध r को परिभाषित किया गया है वो इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 जहां पे कि x इज लेस देन 4 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि x का मान 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब कि x का मान हमें 1, 2 या फिर 3 ही लेना है। तो जब हम x का मान 1, 2, 3 रखेंगे, इससे ज़्यादा रख नहीं सकते क्योंकि इस प्रकार से हमें कंडीशन दिया गया है, शर्त दिया गया है कि आप जो है x का मान 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, ना ही 4 रख सकते हैं, 4 से कम ही रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो संबंध है r, इसके जो क्रमित युग्म बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे। पहले 1 लेते हैं, x का मान अगर 1 है तो 1 के लिए अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 प्लस 5 यानी कि 6। तो इस प्रकार से 1 और 6 ये पहला क्रमित युग्म हो गया। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो यदि हम अगर 2 लेते हैं तो 2 लेने पे y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 5 टू 7 यानी कि 2, 7, तो ये हमें मिल गया। इसके बाद अगर हम 3 लेते हैं तो 5, 3, 8 हो जाएगा यानी कि 3, 8। तो इस प्रकार से हमें R के ये क्रमित युग्म मिलेंगे। अब हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं और इसमें ये चेक करेंगे कि आखिर R क्या है, स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रमक है। तो यहाँ पे देखिए कि 1, 6, तो 1, 6 इसका R का एलिमेंट है, लेकिन क्या हमको यहाँ पे कहीं 1, 1 या 2, 2 या 3, 3 इस प्रकार के एलिमेंट, इस R संबंध के जो क्रमित युग्म का परिवार है, इस परिवार में कहीं हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि 1, 1, 2, 2 या 3, 3 कहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 1, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। तो अगर ये 1, 1 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आर एक्स संभव नहीं है। जब एक्स आर एक्स संभव नहीं है तो इसलिए R क्या हुआ, R स्वतुल्य नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। तो ये बात हमें पता चल गई विश्लेषण के द्वारा कि R स्वतुल्य नहीं है। अब आइए आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1, 6 ये
आर का एलिमेंट तो है, 1.6 आर का एलिमेंट है, लेकिन लेकिन 6.1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। 1.6 आर का एलिमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं भी 6.1 एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए वाई मतलब एक्स आर वाई तो संभव है, एक्स आर वाई तो संभव है, लेकिन वाई आर एक्स संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आर न तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है। अब आगे चलते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 1.6 ये एलिमेंट है आर का, 1.6 एलिमेंट है आर का, लेकिन लेकिन x इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, x का मान 1, 2, 3 है। तो इस x का मान जो है 1, 2, 3 है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि x का मान 4 से ज़्यादा या बराबर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से 1.6 तो R का एलिमेंट है, लेकिन संक्रमक होने के लिए जो बाकी सदस्य चाहिए वो सभी सदस्य इसके ग्रुप में शामिल नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसलिए R क्या है, संक्रमक भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस समुच्चय यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n के लिए R का दिया गया, R द्वारा परिभाषित यह संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रमक है। तो ये बात शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि समुच्चय ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस समुच्चय में संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि संबंध R इज इक्वल टू x, y सच दैट y भाज्य है x से। अब आइए इस क्वेश्चन में जो रिलेशन दिया गया है R, इसका एनालिसिस करके देखते हैं कि ये आखिर किस तरह का संबंध है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये देखिए कि इस क्वेश्चन में समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने सदस्य इस समुच्चय ए में दिए गए हैं। तो इस समुच्चय के लिए जो संबंध आर को परिभाषित किया गया है वो इस प्रकार से है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। तो अब यहाँ पे इसकी भाषा को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट क्वेश्चन के लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं उन्हीं बच्चों के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चनों में कुछ रखा नहीं है। तो इसकी भाषा को समझिए कि आपको ये जो संबंध आर है, इस संबंध आर के क्रमित युग्म तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, और क्रमित युग्म में पहला जो सदस्य होगा वो एक्स का माना जाएगा और कॉमा के बाद वाला जो अंक होगा वो वाई का सदस्य होगा, यानी कि वो वाई का मान होगा। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस समुच्चय ए में से ऐसे एक्स को पकड़ना है जिससे वाई भाज्य हो, यानी कि आपको ऐसे ग्रुप बनाने हैं। तो अगर आप 1 लेते हैं तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 से ऐसे कौन कौन से अन्य मान हैं, या इस समुच्चय के ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो कि 1 से भाज्य हैं, क्योंकि 1 एक्स हो रहा है और यहाँ पे कहा गया है कि वाई भाज्य है एक्स से। इस भाषा को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट भाषा नहीं पकड़ पाते हैं और ये क्वेश्चन उनके लिए जटिल हो जाता है। तो वाई भाज्य है एक्स से, तो आपने एक्स को लिया 1, तो 1 के साथ ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि 1 से भाज्य हो सकती हैं। तो 1 से तो 1 ही भाज्य है, तो इसलिए 1.1 इसका सदस्य हो जाएगा। 1 से 2 भी भाज्य है, इसलिए 1, 2 भी लिया जाएगा। 1 से 3 भी भाज्य है, तो इसलिए 1, 3 भी लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से 1, 4, 1, 5, 1, 6 यहाँ तक लिए जाएंगे।
अब ये खत्म हो गया वन के साथ, क्योंकि छः से ज़्यादा तो मान है नहीं। अब बारी शुरू होती है टू की। अगर हम एक्स का मान टू लेते हैं तो अब ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से अंक हैं जो कि इस दो से भाज्य हैं। तो दो से एक तो भाज्य है नहीं, तो इसीलिए दो एक का संबंध यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। दो से दो भाज्य हैं, इसलिए दो दो ले लिया। दो से चार भी भाज्य है, दो से छः भी भाज्य है, तो इसीलिए दो 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 चार दो छः, ये क्रमित युग्म बना। लेकिन कहीं भी दो पाँच का क्रमित युग्म नहीं है या दो तीन का क्रमित युग्म नहीं है, क्योंकि तीन दो से भाज्य नहीं है। इसी प्रकार से हमें ध्यान से आगे भी क्रमित युग्म बनाएंगे। तीन के लिए तीन तीन, तीन छः ये बनेगा, चार के लिए चार चार, और पाँच के लिए पाँच पाँच, और छः के लिए छः छः, यही क्रमित युग्म बनेंगे। तो अब आते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आखिर आर कैसा संबंध है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस क्रमित युग्म के परिवार में वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव और सिक्स सिक्स, ये सदस्य सम्मिलित हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आर एक्स का संबंध दिखाई देने लगा, और जैसे ही एक्स आर एक्स का संबंध दिखाई दिया तो आर को हम स्वतुल्य कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। दूसरी बात, वाई एक्स से भाज्य है, तो वाई जब एक्स से भाज्य है तो इसका मतलब कि एक्स आर वाई का संबंध दिखा, तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स आर वाई। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि वाई अगर एक्स से भाज्य है, यानी कि भाज्य होने का मतलब है कि कट जाता है, यानी कि वाई एक्स से कटता है, तो एक्स अगर वाई को काट सकता है तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि एक्स को वाई भी काटे, क्योंकि ऐसा हमेशा तो हो नहीं सकता, कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जब y x से भाज्य है तो इसका मतलब कि उसमें एक्स आर वाई का संबंध दिख रहा है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि x y से भी भाज्य हो, अर्थात y r x यहाँ संभव नहीं है। x r y का संबंध तो दिख रहा है लेकिन y r x का संबंध नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये r सममित नहीं है, क्योंकि x r y दिखे और y r x ना दिखे तब इस स्थिति में कोई भी संबंध R सममित नहीं होता है। जैसे कि जो 6 है, 6 तीन से विभाज्य है, 6 तीन से भाज्य है, लेकिन क्या 3 6 से भाज्य है? तो नहीं है। तो इसी प्रकार की बात यहाँ पे बोली गई है। तो इस गणितीय भाषा को आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं इसके अगले गुण पे कि ये संक्रमक है नहीं। तो संक्रमक है या नहीं, आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए, वाई एक्स से भाज्य है, वाई एक्स से भाज्य है, जिसका मतलब कि एक्स आर वाई का संबंध है। अगर जेड वाई से भाज्य होता, जेड एक कोई तीसरा अंक है, मान लीजिए कि जेड ये जो है वाई से भाज्य है, तो वाई आर जेड भी मिलेगा। अच्छा, अब जरा आप इसकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा कि y x से भाज्य है और z y से भाज्य है। तो अगर y x से भाज्य है और z y से भाज्य है तो यही z x से भी तो भाज्य हो सकता है। तो इसलिए z x से भी भाज्य है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट x r z, यानी कि x r z का भी रिलेशन दिख गया। और जैसे x r z का रिलेशन दिखाई दिया, ये बात स्पष्ट हो गई, ये जो संबंध r है ये संक्रमक है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो 12 है, 12 4 से विभाज्य है ना, 12 4 से भाज्य है, यानी कि 4 12 को काट सकता है। या यूँ कहें कि, या और थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 6 लेते हैं, मान लीजिए 12 है, 6 है और 2 है, तो हम देख रहे हैं कि 6 2 से कटता है, 6 2 से कटता है और 12 6 से कटता है। तो जब 12 6 से कटता है, 6 2 से कटता है, तो 12 2 से भी तो कटेगा,
यही बात यहाँ पे बोली गई है। इसलिए गणित की भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये था हमारा इस पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन।